दोस्तों, जब भी कोई स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में हो और प्राइसेस अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच रही हो, देन लेट्स से जो पहली दो कैंडलस्टिक्स हैं वो एक लॉन्ग बॉडी बुलिश कैंडलस्टिक्स फॉर्म हो जाती हैं, विच कन्फर्म्स द पॉजिटिव मोमेंटम इन द स्टॉक। अब थर्ड और लास्ट कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन के दौरान हमें बुल्स और बेयर्स के बीच में एक टसल देखने को मिलती है। मतलब प्राइसेस पहले तो पिछले क्लोज से थोड़ा गैप अप ओपन होती हैं, लेकिन बेयर्स यहां पर प्राइसेस को पहले नीचे ले आने की कोशिश करते हैं, फिर यहां पर बुल्स स्टेप इन करते हैं एंड दे पुश द प्राइसेस ऑल द वे टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस लेवल। अब यहां पर क्योंकि पहले से काफी ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इस वजह से यहां पर हमें फाइनली एक स्मॉल स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक फॉर्म होते हुए देखने को मिलती है, जो कि बाजार में इन डिसाइसिवनेस की तरफ इशारा दे रही होती है। और ये जो पैटर्न हमारा यहां पर फॉर्म हुआ है, इट्स कॉल्ड द डेलिबरेशन पैटर्न, विच इज अ थ्री कैंडल बेयरिश रिवर्सल पैटर्न। और दोस्तों, चार्ट्स पर ये पैटर्न हमें कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। इसकी फॉर्मेशन के दौरान हमें वॉल्यूम्स में एक ग्रेजुअल डिक्लाइन आते हुए देखने को मिलना चाहिए। इस पैटर्न में आप लोग इंट्राडे या स्कैल्पिंग बेस्ड ट्रेड्स ले सकते हैं, और इसके लिए आपको 5 मिनट या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट्स को देखना है।